दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलेक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको ऑडियो एम्पलीफायर किट के बारे में बताने वाले हैं। तो अब तक मेरे चैनल पे सबसे छोटा एम्पलीफायर बोर्ड यही था, जिसका नंबर है 8403। ये डुअल चैनल का होता है, इजीली मार्केट में आपको मिल जाएगा। ये अभी हर जगह पॉपुलर है, लेकिन मैं इससे छोटा भी एक एम्पलीफायर आपके साथ लाया हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एम्पलीफायर किट जो है बहुत ही छोटा है। इसका साइज आप मेरे हाथ पे रखे हुए उंगली पे देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका साइज कितना छोटा है। इसका साइज आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो ब्लूटूथ चिप होता है, ये तो ऑलरेडी ये छोटा होता है और आप देख पा रहे हो ये इससे भी छोटा है। और दोस्तों, इसमें जो आप ऑडियो इनपुट दे सकते हो लेफ्ट राइट और ग्राउंड, लेकिन आउटपुट ये सिर्फ मोनो करेगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल आईसी लगा हुआ है और इस आईसी का जो नंबर है दोस्तों 8002 है। तो ये आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। ये ज़्यादातर जो छोटा छोटा ब्लूटूथ स्पीकर होते हैं उसमें ये इनबिल्ट रहता है। ये मार्केट में ज़्यादातर आपको यही मिलेगा। और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो। तो इसका जो कनेक्शन है दोस्तों, सेम इसी किट के बराबर है, जैसे कि ऑडियो इनपुट इसमें होता है और यहाँ पर 5 वोल्ट देना है और आउटपुट यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे आउटपुट डुअल होता है, लेकिन इसमें आउटपुट सिंगल होगा, बाकी सब कुछ इसमें सेम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एल, जी एन डी और आर। आपको जो ऑडियो इनपुट देना है, चाहे तो आप ब्लूटूथ यूज कर सकते हो, ब्लूटूथ चिप, नहीं तो आप ऑडियो मॉड्यूल भी यूज कर सकते हो। किसी भी ऑडियो सोर्स इसमें देना है ऑडियो इनपुट, और जी एन डी और वी सी सी, ये दो पिन आपको दिख रहे हैं। इसमें आपको 3 से 5 वोल्ट इसमें डी सी देना है, जो कि बैटरी से देना है। और यहाँ पर जो दो पिन देख रहे हैं आपको स्पीकर का है, जो कि 3 वाट 4 ओम का स्पीकर आप इसमें चला सकते हो, जो कि कुछ इस प्रकार के होते हैं। ठीक, ये स्पीकर बहुत अच्छा से इस पर काम कर जाएगा। और दोस्तों, इसमें हम इस ब्लूटूथ के साथ कनेक्शन करने वाले हैं, और इसमें जो मैं बैटरी यूज करने वाला हूँ, ये लिथियम का बैटरी यूज करने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ये भी सोचोगे कि मैं इस तीनों का कनेक्शन करूँगा तो इसमें बैटरी चार्ज हम कहाँ पर करेंगे, इसका कमेंट जरूर आएगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये आप एक चार्जिंग मॉड्यूल का यूज जरूर करें, क्योंकि इससे होता क्या है कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे बैटरी से हमें इसमें सप्लाई देना है और फिर यहाँ से इस दोनों को देना है यहाँ पे। ठीक है, तो जब आपका ये बैटरी डाउन हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तब आप यहाँ से इसको ईजिली चार्ज कर सकते हो। अगर ये आपके पास नहीं रहता है तो आप इसको डायरेक्ट इसमें दोगे तो फिर चार्ज करने का झंझट लगा रहता है। तो इसलिए ये छोटा सा आप एक चार्जिंग मॉड्यूल भी लगा दीजिए, तो ये आपका परफेक्ट ब्लूटूथ एम्पलीफायर बन जाएगा। और चलिए हम इसके साथ भी कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो ये मेरे पास चार्जिंग का जो ये बोर्ड है, तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ और सर्किट है। तो यहाँ पर काम इसका क्या है कि जब यहाँ पर हम 3 वोल्ट इसमें देते हैं इस बैटरी से, तो यहाँ परफेक्ट हमारा 5 वोल्ट आउटपुट देता है। ये थोड़ा बूस्ट करता है वोल्टेज को और परफेक्ट यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट आउटपुट करता है। ठीक है, यहाँ पे ये छोटा सा सर्किट देख रहे हो, बाकी आपको मार्केट में जो है छोटा सा इस प्रकार का भी मिल जाता है सिर्फ चार्जिंग के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसका कनेक्शन दोस्तों बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर जो ऑडियो, यहाँ पर जो इसका कनेक्शन है दोस्तों बहुत ही सिंपल है। ये ब्लूटूथ का जो हमारा लेफ्ट आइड और ग्राउंड है, इसमें दे देना है लेफ्ट आइड और ग्राउंड में। और यहाँ पे जो इसका 5 वोल्ट का जो हमारा पावर सप्लाई है, इसका वायर और इसका वायर दोनों का सेम रहेगा, और यहाँ से दोनों वायर उठकर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, जो इसका आउटपुट यहाँ पे करता है। यहाँ पे आउट माइनस और आउट प्लस, आपको माइनस प्लस को देखते हुए इसमें कर देना है, तो इसमें पावर सप्लाई मिल जाएगा और स्पीकर का कनेक्शन हम यहाँ पर कर देंगे। तो चलिए फटाफट हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे सभी का कनेक्शन कर दिया है, मैंने सिर्फ अभी बैटरी का नहीं किया है, क्योंकि इसमें बैटरी देते ही इसमें सप्लाई आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात कर लेता हूँ कि बैटरी को हमें यहाँ पे इनपुट देना है, जहाँ पे लिखा हुआ है बैटरी। ठीक है, यहाँ पे हम सप्लाई दे देंगे। आप चाहे तो ऑन ऑफ के लिए स्विच भी यूज कर सकते हो। और यहाँ से आउटपुट जो हमारा होता है, उसको मैंने इस ब्लूटूथ चिप में दे दिया है, और यहाँ से जो सप्लाई है इस एम्पलीफायर में भी चला जाएगा। और ब्लूटूथ का जो लेफ्ट राइट और ग्राउंड है, इनपुट मैंने इसमें दे दिया है। लेकिन इस मैंने यह क्या किया है दोस्तों, देख सकते हैं जो हमारा जी एन डी है लेफ्ट राइट का, उसमें मैंने खाली छोड़ दिया है, क्योंकि इसका जो ग्राउंड है इसको मिल चुका है, तो इसमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से जो आउटपुट इसका स्पीकर का है, वो मैंने स्पीकर के साथ कनेक्ट कर दिया है।
तो चलिए यहाँ पे हम इसमें बैटरी का सप्लाई देते हैं और फिर मैं आपको इसका साउंड चेक करके दिखाते हैं और ये हमारा कैसा वर्क करता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम बैटरी का सिंपली इसमें कनेक्शन कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बैटरी का माइनस प्लस, और यहाँ पे हम इसमें लगा देते हैं। यहाँ पे हमारा ऑन हो गया, देख सकते हैं। और इस एम्पलीफायर में एक छोटा सा एलईडी लगा है जो कि हमारा इसमें सप्लाई जाती है, ग्लो होने लगता है। तो यहाँ पे हमारा ब्लूटूथ जो है दोस्तों ऑन हो चुका है। और चलिए अब हम इसमें अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है। दोस्तों ये भी बिना बॉक्स में है इसलिए इसका साउंड उतना भी आ नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे अब इसका स्पीकर के लेकर अंदाजा लगा सकते हैं इसमें कितना अच्छा बेस बना रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे ये छोटा सा ब्लूटूथ एम्पलीफायर जो है बना सकते हो और काफी अच्छा काम कर रहा है। और यहाँ पे ये किट लगाने से दोस्तों ये है कि आपका बैटरी जब डाउन हो जाएगा तब आप इसको इजिली चार्ज कर सकते हो, और जब इसे में फुल चार्ज हो जाएगा तो ग्रीन एलईडी जलेगा, ठीक है, और जब चार्ज होगा तो यहाँ पे रेड एलईडी जलेगा। आप ऑन ऑफ के लिए एक स्विच लगा लीजिए, फिर ये आपका बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।